एफडी में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में, समझ में नहीं आ रहा, राइट? गाइज, आई एम रोहित एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जिसमें ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट होता है। लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स सी एंड ट्राई एंड डिसाइड व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन माइंड when you are picking between FD and mutual funds, okay? So let's start. So जब भी आप किसी भी investment product में invest करते हैं, आपका most important aim क्या होना चाहिए? On a risk-adjusted basis, the return should beat inflation. So एक example लेते हैं छोटा सा। Assume कीजिए आप कोई product आज खरीदते हैं 30 रुपए में, 30 rupees, okay? और द नेक्स्ट 10 ईयर्स अज्यूम कीजिए इन्फ्लेशन रेट, जो कि महंगाई दर जिसे कहते हैं, अगर 8% का है, ये 30 रुपए का प्रोडक्ट आपको 10 साल के बाद मिलेगा 64 रुपीस में। सो एक एग्जांपल लेते हैं फिक्स डिपॉजिट का, विच गिव्स यू 7% रिटर्न, 7% का रिटर्न मिलेगा, ओके? सो एक साल के बाद आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा 100 रुपए का 107 रुपए। बट जो प्रोडक्ट आपको मिलता था 100 रुपए में, अगर इन्फ्लेशन रेट महंगाई दर 8% है, तो वो आपको मिलेगा 108 रुपए में, जबकि आपका इन्वेस्टेड वैल्यू का रिटर्न है 107 रुपए। तो आपका परचेजिंग पावर लॉस हुआ है, विच मींस योर रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट एबल टू कवर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, विच एज आई सेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए। ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस योर रेट ऑफ रिटर्न शुड कवर इन्फ्लेशन। सो दैट्स वाई आपको काफ़ी इन्वेस्टर्स ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स में रिटर्न कम होते हैं। बट वो तो अभी ठीक है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑन एन अपस्विंग, जब बुल मार्केट है। जब मार्केट डाउन आएगा, तब द सेम इन्वेस्टर्स विल थिंक कि एफ डी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, देर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर कि एफडी बेटर है या इक्विटी म्यूचुअल फंड बेटर है। बोथ हैव देयर ओन पोजिशन इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स, की फीचर्स ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स, एंड देन ये आपको मदद करेगा डिसाइड करने में कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कौन सा पोर्शन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सा पोर्शन फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ओके? लेट्स टेक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। They are managed by professional fund managers, okay? They give you the benefit of diversification. So, आपका पैसा किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है, इट इज़ इन्वेस्टेड इन अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। सो कोई स्टॉक बेटर परफॉर्म करेगा, कोई उतना परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा, बट एट अ पोर्टफोलियो लेवल दे ट्राई टू गिव यू अ बेटर रिटर्न, बट उसका रिटर्न सर्टेन नहीं होता है। सो अगर फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न विल बी वॉलेटाइल, कभी ज़्यादा कभी कम। ओवर अ लॉन्गर पीरियड वी बिलीव दैट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कैन गिव यू बेटर रिटर्न दैन फिक्स्ड डिपॉजिट, बट इन अ शॉर्ट पीरियड इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि इस साल रिटर्न यदि आपका 20% आया है तो नेक्स्ट ईयर कम होगा, ज़्यादा होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। सो दैट इज़ द वोलेटिलिटी एसोसिएटेड विद इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के क्या की फीचर्स होते हैं? The most important feature of fixed deposit is assured return. So let's say कोई किसी bank के fixed deposit में आपने invest किया है या किसी company के fixed deposit में आपने invest किया है, उसने आपको जो return promise किया है, आपको वो return ही मिलेगा। तो बाहर market में market कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, sensex fall हो रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, उससे fixed deposit को कोई लेना देना नहीं है, आपको आपका assured return मिलता रहेगा। And fixed deposits are considered as lower risk products as compared to equity mutual fund, because equity mutual fund is somewhat related to market में क्या हो रहा है। market अगर fall होगा तो आपके equity mutual fund के returns भी fall हो सकते हैं। so but the biggest disadvantage of fixed deposit is कि return assured तो होता है, but over a longer period of time उसके returns will be lower than equity mutual fund। सो यू हैव टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो, और आपको ये चूज करना होगा कि एट विच पॉइंट इन टाइम विच प्रोडक्ट इज बेटर फॉर यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये हम कैसे डिसाइड करें,
हमारे पोर्टफोलियो का कौन सा पोर्शन फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए और कौन सा पोर्शन म्यूचुअल फंड में। सो जनरली एज अ थंब रूल, जो भी पैसे की आपको रिक्वायरमेंट ओवर द नियर टर्म है, लेट्स से अगले आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको पैसा चाहिए और दैट इज़ फॉर अ फिक्स्ड पर्पस। एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके बच्चे ने क्लास 10 की पढ़ाई पूरी कर ली, 2 साल में क्लास 12 हो जाएगा, उसके बाद ही विल गो टू अ प्रोफेशनल, ही और शी विल गो टू अ प्रोफेशनल कॉलेज, इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे या किसी और पढ़ाई में जाएंगे, तो आपको फीस की रिक्वायरमेंट होगी आफ्टर 2 ईयर्स। अगर आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जो फिक्स्ड इन नेचर है, जहाँ पे आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज गो इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। बिकॉज आज मार्केट अच्छा है, आपने इन्वेस्ट किया, अगर 2 साल के बाद मार्केट फॉल हुआ, आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट आपका फीस तो फिक्स्ड है, तो वहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू शुड इन्वेस्ट दैट मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ओनली। बट द मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म दैट यू शुड इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी म्यूचुअल फंड विल गिव यू अ हायर रिटर्न दैन फिक्स डिपॉजिट्स। सो फ्रेंड्स, अगर फिनेंशियल टर्मिनोलॉजी में मैं बात करूँ, सो द पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो दैट यू कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आप कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, दैट पोर्शन शुड गो टूवर्ड्स इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। एंड पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो जहाँ पे आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या रिस्क नहीं ले सकते हैं, कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं, दैट पोर्शन शुड गो टूवर्ड्स फिक्स डिपॉजिट्स। सो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड वर्सेज फिक्स डिपॉजिट्स नहीं है, दोनों प्रोडक्ट्स का रेलेवेंस है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। जस्ट दैट आपको ये डिसाइड करना होगा आप किस में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको FD में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, सो यू नो वेयर टू गो, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट kotakcherry.com और आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। आप किसी भी बैंक अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट रेडी इन यू नो वेरी वेरी फ्यू स्टेप्स। यू जस्ट डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर योरसेल्फ एंड यू कैन इन्वेस्ट इन आइदर इक्विटी म्यूचुअल फंड और FD इन द प्रमोशन दैट यू वांट एंड बी रेडी फॉर योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।